साड़ियाँ छत्तां कालियाँ साड़ियाँ सड़कां ते गड्डियाँ खड़ियाँ कालियाँ असी कोठे दे कुपड़े सुकने पाने ओह काले हुंदे आ एह घर घर लुधियाणा पूर्वी दी विजन है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सोम सहोता ते तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। अज इस एपीसोड दे विच गल करदे आ सनती शहर लुधियाणा दी। दोस्तों, सरकार वालों तो प्रदूषण को खत्म करन दे तरह तरह के उपराले किए जा रहे हैं, पर कुछ लोगों वालों सरकार के इन उपरालों दियाँ किमें उड़ाइया जा रही ने धजियां, ये तुसी खुद वेख सकते हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच लिखिया कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो दोस्तों, अज पंजाब के लुधियाणा शहर विच चलदे आ जिथे कि फैक्ट्रियां दियां चिमनियां दे विचों निकल रहा है गंदा प्रदूषण, ते आम लोकां दी जिंदगी नूं किवें बना रहा है नरक, ये तुसी खुद वेख सकते हो। जिहड़ियां तस्वीरां इस समय तुसी टीवी स्क्रीन दे उपर वेख रहे हो, उन्हां तस्वीरां नूं वेखण तों बाद लग रहा है कि जिवें आकाश दे विच बदल छाए होण। दरअसल ये बदल नहीं है, ये फैक्ट्रियां दियां चिमनियां विचों निकल रहा गंदा धुआं है जो आम लोकां दी हसदी बसदी जिंदगी नूं बना रहा है नरक। आखिर लुधियाणा शहर विच प्रदूषण नूं फैलाउण वाले कौन ने, कौन है जिम्मेवार? इस संबंधी एवन पंजाबी चैनल तो मिस्टर कमल कपूर ने गलबात की है जी मिस्टर सुभाष कैटी और राजेश गुप्ता जी दे नाल। की गलबात हुई है, आओ आपां सुन सकते हाँ। अज असी जिस मुद्दे के उपर गल कर रहे हैं वो है कि साडे जिहड़े लुधियाणा, खासकर लुधियाणा की गल करा तो लुधियाणा के अंदर पोल्यूशन का जिहड़ा ग्राफ है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वह एयर पोल्यूशन हो, चाहे वह नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वह वाटर पोल्यूशन हो। इस मुद्दे के उपर गल करन लई अज साडे नाल सुभाष कैटी जी ने, जिहड़े NGO भी चलाते हैं और सब तो बड़ी गल इस मुद्दे के उपर वो जी है अपनी तिखी नज़र भी रखते हैं। कैटी साहब, पहला तो एवन पंजाबी न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब तुहाडा। साडी बाणी दे अंदर इन्ने पवित्र श्लोक ने, गुरु महाराज ने भी कहा है कि साफ पानी साफ हवा जिहड़ी हैगी है वह ईश्वर की देन है और उहदी जिहड़ी है साफ सुथरा रखना और उहदी सांभ संभाल करना साडा फर्ज बनदा। बिल्कुल जी, इस करके 1982 दे विच भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली बारी हिंदुस्तान च प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का एक मंत्री बनाया सी, ते उहदा पहला मिनिस्टर बने सी भजन लाल जी। तुसीं हिसाब लाओ कि उस टाइम उन्हां नूं जाग आई सी साडी हिंदुस्तान की सरकार नूं कि प्रदूषण के उत्ते कंट्रोल करने भी कोई महकमा होना चाहिए। वह महकमा जदों बनिया ते हुण जदों पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, इहदियां कारगुजारियां तुहानूं दसणगे गुप्ता जी कि इन्हां ने RTI दे विच जो लाया उन्होंने की जवाब दिता, बाकी लुधियाने के राजनेता की कर रहे हैं, इस बारे मैं तुहानूं उस तों बाद विस्तार नाल दसूंगा, फिर तुहानूं जरा चंगी तरह समझ आएगी। कैटी साहब, तुसी हलका पूर्वी च रहने हो, हलका पूर्वी दे अंदर मैं अपने दर्शकों भी दस दवा कि सब तो बद इंडस्ट्री और सब तो बद जिहड़ी डाइंग यूनिट्स हलका पूर्वी दे अंदर ने, तुहाडी रहिश भी हलका पूर्वी च है और सानू सुनन च आया कि घर दियां छत्तां सड़कां जिहड़ियां ने ओह इन्नियां ज़्यादा पोल्यूशन नाल खराब हो जांदियां ने, इत्थे तक कि उत्थे काली मिट्टी काली सवाह गिरदी है। मैं कहना जी, जे लुधियाणा पूर्वी वालियां दे जे किसी की डैथ होंगी है वह पोस्टमार्टम अलग तो कराया जाए, वह अलग तो रिकॉर्ड रखा जाए, शायद सानू तां पता लग्या गया कि साडे फेफड़े काले है कि नहीं काले, साडियां छत्तां कालियां साडियां सड़कां ते गड्डियां खड़ियां कालियां असी कोठे दे कुपड़े सुकने पाने वह काले होंगे है, ये घर घर लुधियाणा पूर्वी की पोजीशन है। जबकि साडे विधायक श्री संजय तलवार जो बने सी उन्होंने बड़े उच्चे उच्चे नारे लाए सी, ते साडे अखबारां ने भी लिखिया सी कि पोल्यूशन के मामले डावर ते तलवार आमने सामने, जबकि उस तो बाद मैनू इदा लगता है कि माल पूरा जेब च पै गया दोनों दे ते दोनों चुप कर गए। मैं तुहानूं दसदा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लुधियाणा पूर्वी जदों शुरू होया एक पी राम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष होंदे सी जां कोई मैंबर सी, मैनू नहीं इस बारे ज़्यादा पता, पी राम होंदे सीगे, उन्होंने छापा मारिया सी ताजपुर रोड से, किसी ने हैंड पंप लवाया सी उहदे विचों ना येलो कलर का पानी निकलन लग्या, तो वह बंदे ने कंप्लेंट की, तो उत्तों पी राम कमेटी ने छापा मारिया,
हैरान हो गए जो उन्होंने छापा मारिया देखिया डाइंगा दे विच कि एक डाइंग दे विच उन्होंने जिहड़ा वेस्ट पानी है वह जमीन च ही पा रहे सी। एडा वड्डा तुसी हिसाब लाओ उस तो बाद एक्शन शुरू होया सी, मगर हुण तुसी आ जिहड़ियां हैगियां पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दियां गुप्ता जी नूं मिलियां रिपोर्टां जवाब मिले आरटीआई च, वह देख के तो इदां लगता कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नूं भंग कर देना चाहिए ते जिहड़े पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मंत्री बने उन्हां नूं अस्तीफा दे देना चाहिए चाहे वह केंद्र च है चाहे प्रदेश च। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिहड़ी गल की जा रही हैगी आ सब तो बड़ा महकमा हैगा लुधियाना दे विच भी इहदे बहुत सारे अफसरान अधिकारी ने जिन्हां दा फर्ज बनता है ड्यूटी बनती है कि समय समय सिर जिहड़ी है उहदी चैकिंग करे चाहे वह पानी दे पोल्यूशन नूं लैके होवे हवा दे पोल्यूशन नूं लैके होवे या फिर नॉइज़ दे पोल्यूशन नूं लैके होवे। महकमा इसीलिए गठित किया गया सी। मेरे नाल गुप्ता जी ने गुप्ता जी सब तो पहला तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम की करता है सर इदा भी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी है भी शहर के जोड़ा भी पोल्यूशन हो रहा है चाहे एयर है नॉइज़ है वाटर है ये रिलेटिड होर भी जो पोल्यूशन ने उन्हों की रोकथाम की जाए उन्होंने चैक करे उन्होंने कंट्रोल करे तो जोड़ा हैगा लुधियाने शहर में पोल्यूशन फ्री किया जाए लेकिन टोटल पंजाब टोटल पंजाब जोड़ा हैगा वह प्रदूषण मुक्त किया जाए। लेकिन मैं कुछ आर टी आई पाई पिछले साल 26/7 में एक आर टी आई पाई सी जिस मैं कुछ इनफॉर्मेशन मंगिया सीगियाँ लेकिन जोड़े उन्हें जवाब आए वो बहुत ही हैरानजनक है और बहुत ही परेशान करने वाले ने मतलब जोड़ा देख के मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है जिस मैं एयर वाटर ते नॉइज पोल्यूशन की जी है पूछे सके भी पिछले 3 सालों के किन्ने चलान किए हैं तो कि जुर्माना इकट्ठा होया तो बड़ा एक हैरानीजनक जवाब आया उन्होंने मैं 19/8 जिदे विच उन्होंने मैनू यह दसिया भी साढ़े कोई इनफॉर्मेशन है ही नहीं नो सच इनफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस ऑफिस ना वाटर दी ना एयर दी ना नॉइज़ दी जे पोल्यूशन बारे कोई साढ़े कोल इनफॉर्मेशन है ही नहीं। उस तो बाद मैं सैकेंड अपील पाई 30/11 जिस तो बाद मैनू जिहड़ा हैगा 13/1 एक रिप्लाई आया इन्हां दा मैं तुहानू दस्सदा जिस दे विच इन्हां दी स्टेटमेंट जिहड़ी सी बदल गई जवाब बदल गई उहदे विच लिखिया इन दिस रिगार्ड इट इज़ इंटीमेटेड दैट द एयर पोल्यूशन इज अ वेरी वाइड सबजैक्ट विच कवर्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक स्टबल बर्निंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट बर्निंग व्हीकल पोल्यूशन एंड अदर भी हुण पहलों कहिंदे साडे कोल रिकॉर्ड है नहीं हुण कहिंदे भी एक बहुत बड़ा सबजैक्ट है भी थोनू की चाहिए तो उन्होंने स्टेटमेंट जी है अपने ही उन्होंने जवाब जोड़े है वो सवाल पैदा करती है। उस तो बाद स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन के जी सी मेरी तरीक सी 17/2 जिदे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों कोई पेश नहीं होया तो मैं एपीलेंट जोड़ा पेश होया तो जज साहब ने जोड़ा हैगा फोन किया उन्होंने भी थोड़े वालों कोई पेश नहीं होया जी कहीं इदा जी इदा कुछ उन्होंने कुछ जो भी अपने बहाने मारे होने ऑर्डर किए हूँ जी है 10/5 जी है स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन चंडीगढ़ के साड़ी तरीक है वो कहते जो कुछ तुम कहने वो तुसी एक एफीडेविट जिहड़ा हैगा तैयार करके सानू दिओ ये हुण एफीडेविट उन्हां दा आऊगा हुण 10 तरीक नूं होऊगी तो उस तो बाद जिहड़ी हैगी साडी फर्दर कारवाई जिहड़ी हैगी चलूगी। मैं इस नूं जिहड़ा हैगा कानूनी तौर दे उप्पर इसकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा मैनूं हाई कोर्ट जाना पै मैं हाई कोर्ट जाऊँगा NGTC भी जाऊँगा हाई कोर्ट जाऊँगा जो भी करना पिया वो मैं करूँगा क्योंकि जिहड़ी धरती है साडी मां है ये जिहड़ा हैगा ये पोल्यूशन जिहड़ा हैगा वाटर एयर नॉइज़ इन्हें साड़ी जिंदगी जिहड़ी हैगी साड़ी आने वालियां पुश्तां जिहड़ी जिंदगी है खराब हो रही है तो इस करके साडा धर्म है इस नूं लड़ना तो मैं लड़ूंगा हर हाल च लड़ूंगा। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के होंद के उत्ते भी सवाल जिहड़े ने खड़े होंदे ने इसकी होंद के उत्ते सवाल किस तरह खड़े होंदे ने गुप्ता जी ने एक RTI लगाई सी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7/7 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਐਨੀ ਚਲਾਨ ਅੰਡਰ ਏਅਰ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 ਹੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੌਟ ਆਰ ਨਿਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1981 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਐਨੀ ਚਲਾਨ ਅੰਡਰ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 2000
हैंस इनफॉर्मेशन सॉर्ट निल। इस तो बाद तीसरा हैगा देर इज नो प्रोविजन फॉर इशिंग एनी चलांस अंडर वाटर प्रोविजन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 हैंस इनफॉर्मेशन निल। इन्हों का अगर सरल भाषा च कहा जाए तो की मतलब की निकले सर? मतलब तो यह है जी, मतलब मैं की कहना, एक तो मेरी आर टी आई है वो तीन अलग अलग जवाब है, उन्होंने जवाब ही सवाल पैदा करते हैं, उन्होंने सवाल ही जवाब जोड़े है सवालों के घेरे च क्यों आ रही है। कैटी साहब जिस तरह के आर टी आई से जवाब मिले उदो तो यदि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होम से ही इन्हों भंग कर देना चाहिए, इन्हों गिरफ्तार कर लेना चाहिए, इन्हों जो सैलरिया मिली हैं उन्होंने रिकवर कर दी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि ना असी हवा का कंट्रो हवा लिए चलान कर सकते हैं, ना पानी के पोल्यूशन लिए चलान कर सकते हैं, ना नॉइस भी कर सकते हैं। फिर यह दसो तिना तो अलावा होर की होंगे पोल्यूशन? एड्डी हैरानगी वाले जोड़े जवाब दिते हुए इन्होंने, इस तो साफ पता लगता है कि पूरी मिली भगत है जनता को बेवकूफ बनाने की तैयारी है। असी सजग नागरिक होने करके इसका मतलब समझ गए हैं, तुम भी समझ गए हो, ये सामने थोड़े चिट्ठी पई है, इस तो अंदाजा लगाओ कि इन्हों कोई अपील दलील करने की लोड़ ही नहीं हैगी, जब ये चलान ही नहीं कर सकते फिर बैठे कहदे लिए है। एन जी टी ने 25 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को लुधियाना सरकार को आ गंदे नाले दे सामने चलान किया जुर्माना किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बुढ़े दरिया उत्ते 600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार या पंजाब सरकार खर्च कर रही है, फिर यह मतलब तो लोड़ ही नहीं हैगी, जब इन को पावर ही कोई नहीं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो फिर कादे लई बैठे हैं? इन्हों बंद कर देना चाहिए धंधा, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने लिए इन्हों ने पार हर बंद जो मुलाजम है इन्हों जे वे अफसर है उन्होंने 5-4 मुलाजम रखे हुए हैं, वो पैसे इकट्ठे करते हैं। साढ़े MLA साहब संजय तलवार ने जदों MLA बड़े इन्होंने बड़ी पूछ चकी कि मैं पोल्यूशन खत्म कराँगा, लेकिन पोल्यूशन अगे ना वाद है और बेड़ा गर्क है, डेयरिया बहर क्ढा वह भी उत्थे दियाँ उत्थियाँ वो अपना सारा जोड़ा गोबर है वह सारा नाले च पा रहे हैं, उधरों पानी सीवरेज पै रहा अपना डाइया का, और जेडे कि है मैट्रो रोड के उत्ते कई है टायर बनाने वाली कंपनियां, तो साढ़े 32 सैक्टर से आओ हफ्ते 2-3 दिन रबड़ की स्मैल इदा आती है, तुम परेशान हो जाओगे, इन्ना भैड़ा हालात है, समझ तो बहर है। जबकि कहते हैं कि टायर नहीं चलाने, मैंने उम्मीद है टायर भी चलाए जा रहे हैं, इन्हों की कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। साढ़े कौंसलर साढ़े जेडे MLA है मैं लगता पूरे एक बोरी च पै चुके हैं, जेडे कि जितनी रिश्वत हो रही होती है। प्लास्टिक नू रीसाइकलिंग करन दे नाम ते किस तरह निजमां दियां उड़ाइयां जा रही ने धज्जियां, ते आखिर कौन ने लुधियाना शहर दे विच प्रदूषण फैलाउण वाले ये लोग? अगले एपीसोड विच करांगे इन्हां ते खुलासा, इसे संबंधी प्रदूषण विभाग के उच्च ऑफिसरां दे नाल भी करांगे गलबात, और करांगे प्रदूषण विभाग दे नाल संबंधित कैबिनेट मंत्री साहब दे नाल भी गलबात। उदों तक तुसी जुड़े रहो एवन पंजाबी TV दे नाल, मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया सरवाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।